नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमास के स्पोक्स पर्सन ने जिस प्रकार से लेबनान के अंदर से एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में हमास ने जो घोषणाएं की हैं, ऑलरेडी इसराइल की घोषणाएं हम सुन ही रहे हैं क्योंकि वो स्टेट है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, यूएनओ का सदस्य है, इसलिए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होने के नाते और वो विक्टिम होने के नाते, क्योंकि हमास से मतलब यहाँ पर समझना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब हमास की बात हम कर रहे हैं, आप हमास को क्रिटिसाइज़ करिए, आप पैलेस्टीन को क्रिटिसाइज़ मत करिए, तो ध्यान देने की बात यह है कि हमास की जो पॉलिटिकल पार्टी है वही पैलेस्टीन की गवर्नमेंट है, या पैलेस्टीन पीए जिसको कहते हैं, पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, तो पीएजी उसको कहते हैं। तो जो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है वो हमास के हाथ में है, बींग ए पॉलिटिकल पार्टी भी। तो हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पैलेस्टीन का एडमिनिस्ट्रेशन इस समय टेररिस्टों के हाथ में है, इसलिए इसको पैलेस्टीन कहें या फिर इसको हमास कहें, इन दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। तो जो भी ये कह रहा है कि पैलेस्टीन या हमास, या पैलेस्टीन अलग है हमास अलग है, पैलेस्टीन के लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हो और पैलेस्टीन के लोगों को ऐसे मत सताइए, लजाइए उनके से, तो ध्यान रखने की बात है कि हमास वहाँ बहुत बड़ी मेजोरिटी में वोट लेकर पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। अब जो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है, पैलेस्टीन एक सेल्फ सॉवरन कंट्री नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। उसके पीछे का इतिहास अपने को जानना पड़ेगा, आखिर क्यों मुस्लिम जगत ये बात लगातार कह रहा है कि इसराइल ऑक्यूपाई करके रखा है पैलेस्टीनियन लैंड को। अब देखिएगा, जो हमास के लीडर ने इंटरव्यू दिया है उसमें उसने इसराइल को जड़ से ख़त्म करने की बात की है और उसने ये कहा है कि हम इसराइल को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम पूरी पैलेस्टीनियन लैंड को वापस लेंगे। इसका मतलब साफ है, वो ये जो इशारा उनसे और क्वेश्चंस पूछे गए तो उसने साफ कहा, हमाद नाम का लीडर है, उसने साफ तौर पर कहा कि जो इसराइल है ये पैलेस्टीनियन लैंड है, यानी कि ये फिलिस्तीन की भूमि है, यही फिलिस्तीन है। अब जब अगर ये कहा जा रहा है हमास की तरफ से कि इसराइल भी फिलिस्तीन है, तो जो फिलिस्तीनियन ऑक्यूपेशन की बात मुस्लिम जगत कर रहा है वो साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल नाम का कोई देश नहीं है और जो इसराइल बना हुआ है वो फिलिस्तीन की भूमि पर बना हुआ है, यानी कि वो पैलेस्टीनियन लैंड है। अब इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि ईसाइयों और मुसलमानों के आने से पहले, हालांकि ये ईसाई भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मुसलमान भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यानी कि होली कुरान भी इस बात को रिकॉग्नाइज़ करती है और बाइबल भी रिकॉग्नाइज़ करती है कि उस समय मूसा अलैहिस्सलाम या फिर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए हैं। इब्राहिमिक, ये सभी तीनों रिलीजन अब्राहमिक कहे जाते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही फॉलोवर तीनों हैं और तीनों की ओरिजिन के नाम से जो जो यरूशलम है या जेरूशलम है, जेरूशलम ही उस वो स्थान माना जाता है, यरूशलम ही वो स्थान माना जाता है क्योंकि एक ही जगह पर वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट निकला और वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट एक दूसरे के विरुद्ध निकला, एक दूसरे से लड़ने के लिए निकला और एक दूसरे को समाप्त करने के लिए निकला। अब इन तीनों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में और यहूदियों में, सबसे पहले कौन आया? हालांकि मेरा मानना यह है कि यहूदियों से पहले क्या था, अशोक के टाइम पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो जो अरेबियन लैंड है वहाँ पर आरमाइक लिपि के लिखे हुए हमारे स्तंभ मिले हैं अशोक के। इसका मतलब ये हुआ कि संभव है कि अशोक वहाँ तक शासन कर रहा था क्योंकि जो उसके स्तंभ लेख हैं या जो उसके शिलालेख हैं वो एक्चुअली शिलालेख नहीं थे, कोई मूर्तियाँ नहीं उकरी हैं, वो शिलालेख और स्तंभ लेख रूल्स हैं, उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या राज्य ने रोका है। तो उस समय हम सब जानते हैं कि फ्री शासन हुआ करता था, राज्य के पास केवल सिक्योरिटी का विषय होता था और राज्य सिक्योरिटी को ध्यान में रखता था, इसके अलावा कुछ बेसिक सिद्धांत राज्य बताता था। अशोक ने भी उस समय शिलालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम से केवल बेसिक रूल्स बताए थे, जैसे जानवरों को नहीं काटना है,
या शराब नहीं पीनी है, क्या करना क्या नहीं करना है। तो ये मानकर चलिए कि अगर वहाँ पर अशोक के इस लेख मिले हैं, स्तंभ मिला है, तो इसका मतलब ये संभव हो सकता है कि अशोक का शासन वहाँ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इतिहास नहीं है जो ये बता सके कि यहूदियों से पहले वहाँ क्या था। क्योंकि ये जो अब्राहमिक रिलीजन वाले लोग हैं, इनकी खास बात है ये इस हिस्ट्री पर विश्वास नहीं करते, ये डिस्ट्रक्शन पर विश्वास करते हैं। ये जब अपने आप को ग्रो करते हैं तो ये सब कुछ समाप्त करते हैं, पुरानी सभ्यताएँ समाप्त करते हैं, पुरानी आर्किटेक्चर को समाप्त करते हैं, पुरानी यादों को समाप्त करते हैं और जड़ से समाप्त करके अपने आप को बिठा लेते हैं। ये इनकी खास बात है, इसलिए जहाँ जहाँ ये बैठते हैं वहाँ ये कुछ रहने नहीं देते, ये वहाँ का इतिहास भी मिटा देते हैं, चाहे आप उसको बेबीलोन कहें, चाहे उसको मेसोपोटामिया कहें, चाहे आप उसको मिश्र कहें, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, ये इतिहास है और उसके एविडेंस नहीं छोड़ते। तो ये पता नहीं है कि यहूदियों से पहले क्या था, लेकिन ये तो है यहूदी सबसे पहले आए हैं और वो यरूशलम के ही हैं। जब ईसाई डेवलप हुए संभवतः, तो यहूदियों के टेंपल्स को आज से 2000 साल पहले, 2050 साल पहले, जब ये कॉन्सेप्ट ईसा का आया, इसीलिए आप ईसा पूर्व और ईसा के बाद, जो ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं ईसा पूर्व ईसा बाद, और मुसलमान शुरू करते हैं आफ्टर हिजरी एंड बिफोर हिजरी, मतलब जब प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिटहुड गेन किए हैं 40 वर्ष की आयु में या 39 वर्ष की आयु में, तब से मानते हैं कि तब से हिजरी संबद्ध है। और ईसाई मानते हैं कि जब से ईसा हुए, ईसा से पहले का जो इतिहास है वो वहाँ पर यहूदियों का है और मूसा का है। यहूदियों के टेंपल को उस समय आज से 2000 साल पहले ईसा काल जब शुरू होता है, तो यहूदियों के टेंपल को तोड़ दिया गया, यहूदियों को वहाँ से मार दिया गया, यहूदियों ने वहाँ से भागकर अपनी जान कहीं और बचाई, और पूरे यूरोप में यहूदी बसा हुआ था। हमें याद है कि 1940 या 1939 जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वर्ल्ड वार में हिटलर ने किस प्रकार यहूदियों को मारा था, और यहूदी पिटता ही रहा है, क्योंकि यहूदी ईसाइयों का भी दुश्मन था, टारगेट था, और मुसलमानों का भी टारगेट था। इसलिए यहूदियों की एक खास बात है कि जब यहूदी वहाँ से गए, तो फिर वो आपस में मिलते समय एक नारा आपको याद होगा बड़ा लेते थे, और वो कहते थे अगले वर्ष यरूशलम, यानी कि वो भूलेंगे नहीं, उनको भूलना नहीं है, और वो यरूशलम में अगले वर्ष मिलेंगे। ये वो हर नित्य रोज इस बात की प्रतिज्ञा लेते रहे कि हम अगले वर्ष यरूशलम में मिलेंगे। छोटा बच्चा जब 2-3 साल का बोलना शुरू करता था, तो उसको अभिवादन की तरह, जैसे हम टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, शुभ यात्रा करते हैं, वो क्या कहते थे, अगले वर्ष यरूशलम। और आप सोचो, विश्व के किसी कोने में, भारत में यहूदी एक ऐसा स्थान भारत है जहाँ यहूदियों को शरण दी गई, उनको मारा नहीं गया, बाकी पूरे यूरोप में ईसाइयों ने उनको मारा। जब मुसलमान आ गए, तो जहाँ कहीं भी मुस्लिम ग्रोथ किए वहाँ पर उन्होंने उनको मारा, और सीधी हत्या करते थे, क्योंकि मुस्लिम ग्रंथ तो यहूदियों को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इस्लाम जिंदाबाद नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना है। और अब की जो नई हदीतें हैं वो तो हिंदुओं को भी ख़त्म करने की बात करती हैं, और कहती हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक जन्नत नहीं मिल सकती, या कुछ और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए कि मुस्लिम ग्रंथ ये बात, या ईसाई ग्रंथ ये बात कहते हैं कि यहूदियों को ख़त्म करना, इसलिए ये रिलीजियस थॉट बन जाता है, और उनकी क्लिंजिंग करना उनका एक धार्मिक कृत्य बन जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा स्थान था जिसने सीथियंस को, पर्शियंस को, शकों को, कुषाणों को, हूणों को, सबको हजम कर लिया। जो भी हिंदुस्तान में आया विश्व से, उसको अगर कोई लैंड नहीं मिली तो हिंदुस्तान ने उसको जगह दी, और हिंदुस्तान ने उसको हिंदुस्तानी बना लिया, यानी कि वो बाद में हिंदुस्तानी कहलाया और हिंदू बन गया। अब जब ये नारे लगते रहे हमेशा से कि अगले वर्ष यरूशलम, तो फिर 1948, अब बड़ी तारीख याद रखने की बात है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने ये खाड़ी पर भी कब्जा कर रखा था, हम पर भी किया था, खाड़ी पूरे के पूरे खाड़ी, उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी,
ऑटोमन अम्पायर ने जब इस हिस्से पर कब्जा किया यहूदियों के हिस्से पर, तब यहूद लैंड से इसका नाम पैलेस्टीन लैंड रखा, फिलिस्तीन रखा। अब ये फिलिस्तीन भूमि कही जाने लगी। और फिर उसके बाद ऑटोमन अम्पायर ब्रेक किया अंग्रेजों ने और ब्रेक करके उस पर कब्जा किया। ऑटोमन अम्पायर के 50 देश बनाए जब 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 वर्ल्ड वार खत्म हुआ और इंपीरियलिज्म खत्म हुआ। उस समय उन्होंने अंग्रेजों ने यह तय किया कि यहूदी जिनको दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने मारा था या हिटलर के विक्टिम थे उनको उनकी भूमि वापस देंगे, चूंकि कब्जा अंग्रेजों का था। तो फिर इसराइल नाम का एक देश बना और इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हुए यूएनओ ने यहूदियों को जहां कहीं भी थे उनको इनवाइट किया और उनको एक भूमि दे दी। मुसलमानों का ये कहना था, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही कहना था कि जना कहता था कि जब तुम अंग्रेजों से कहता था जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मुसलमानों से लिया था हिंदुस्तान, मुसलमानों को वापस करो। ये सेम बात वहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी उन्होंने उस समय पाकिस्तान नाम का देश ले लिया और पाकिस्तान से हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमान रोके गए, नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ और उसके बाद ये तय किया गया कि हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। सेम स्टोरी वहाँ पर हुई जब पैलेस्टीन लैंड में से, जो ऑटोमन अम्पायर ने जिसका नाम पैलेस्टीन रखा था, वहाँ से यहूदों को दोबारा शिफ्ट किया गया 2000 वर्षों के बाद और उनको वहाँ रोका गया, तो उस नए देश का नाम इसराइल रखा गया। अब ये बात मुसलमानों को, जो वहाँ इजिप्ट शासन कर रहा था या ऑटोमन अम्पायर टूटा था, उनका कहना ये था बिल्कुल साफ कि हमसे भूमि ली थी, भूमि हमको वापस करो, यहूदियों को यहाँ क्यों बसा रहे हैं, यहूदियों तो इस्लाम के पहले विरोधी हैं। लेकिन ऐसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया और वहाँ पर यहूदियों को बसा दिया। यहूदियों के बसने के तुरंत बाद 6 देशों ने उस इसराइल के ऊपर हमला कर दिया जब अंग्रेज वहाँ से चला गया। हमला करने का मुख्य कारण आपको याद होगा, ऐसा ही हमला 1947 में भारत पर भी हुआ था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर लिया था, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का 50% से ऊपर की ज़मीन जीत भी ली थी, मतलब कब्जा कर लिया था और बाकी हिस्से में भी वो घुस आए थे बाद में हमारी फोर्सेस, और वो स्टोरी कभी और बताऊँगा, लेकिन ये स्टोरी वैसी चल रही। फिलिस्तीन भूमि पर जो इसराइल बन गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो इजिप्ट के पास था, जो लेबनान के पास था, जो सीरिया के पास था, सीरिया तो हालांकि लेबनान और सीरिया उस समय ईसाई देश हुआ करते थे, लेबनान तो अभी कुछ 20 वर्ष पहले तक ईसाई देश हुआ करता था, सीरिया आज भी ईसाई देशों में से काउंट होता है, मुसलमान ईसाई दोनों बराबर हैं। लेकिन इजिप्ट की बात करें हम, सऊदी अरबिया की बात करें हम, लेबनान की बात करें हम, सीरिया की बात करें, ये कंट्री उसको घेरे हुए हैं और इन कंट्रियों ने मिलकर इसराइल पर हमला ये सोचकर कर दिया कि यहूदियों को मारना तो पहला कर्तव्य था, विश्व युद्ध होने के बाद अंग्रेज यहाँ से वापस गए, यहूदियों को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहूदी बड़ी तैयारी के साथ थे और 1948 का जो युद्ध था वो यहूदियों ने, यानी कि इसराइलियों ने अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया था कि भाई ये स्वतंत्रता का युद्ध है, हमको अगर एग्जिस्टेंस में रहना है तो फिर हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजिकली अमेरिका ने उनका साथ दिया था उस समय, और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भी साथ दिया था उनका, और वो उस युद्ध को बाद में विराम कर लिया। ये बात चलती रही। इसके बाद एक घटनाक्रम 1967 का है, क्योंकि सिक्स डे वॉर के रूप में बड़ा ज़्यादा चलन में है कि सिक्स डे वॉर क्या है। सिक्स डे वॉर के रूप में अगर हम कहें तो वो युद्ध आज भी याद किया जाता है, क्योंकि सिक्स डे वॉर में क्या हुआ कि जो सुएज कैनाल है, सुएज कंपनी है, सुएज नहर जो बनाती है, वो फ्रांस और इंग्लिश यानी कि यूके ने बनाई थी कंपनी, उस कंपनी को इजिप्ट ने नेशनलाइजेशन कर दिया। अब इजिप्ट ने नेशनलाइजेशन कर दिया का मतलब है कि इजिप्ट की वो हो गई, इजिप्ट ने कहा भाई हमारे पास हमारी सुएज नहर जो है हमारे यहाँ से निकलती है इसलिए ये मेरी हो गई। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाई थी जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे। इजिप्ट के ऐसा कहने के बाद ये स्वाभाविक था कि इसराइल का भी रास्ता वहाँ से जाता है, इसराइल फ्रांस और इंग्लैंड ये मिलकर कुछ गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में एक चार बात जो सामने आई, वो रशिया ने इजिप्ट को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसराइल ने तैयारी कर ली है और वो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं।
इजिप्ट ने क्या किया कि जो इसराइल के कुछ जहाज थे जो जो वहाँ से निकलते थे उनको ब्लॉकेज कर दिया। इंटरनेशनल वॉर की विधि में ब्लॉकेज उनको कहते हैं, जो कोई कोई शिप निकल रहे हों उनको चारों ओर से दूसरे शिप घेर लें और उनका रास्ता बंद कर दें, और अगर वो जाने की कोशिश करें तो उनको गिरा दें, पानी में डुबो दें। तो इजिप्ट ने क्या किया कि वो जो इसराइल के जहाज वहाँ से निकलते थे उनको ब्लॉक कर लिया। जब उनको ब्लॉक कर लिया तो इसराइल को ये लगा कि भाई ये तो इंतहा हो गई। इसराइल ने रातों रात, आप सोचो एक दिन में, इसराइल ने एक दिन में इजिप्ट के 180 फाइटर जेट्स गिराकर समाप्त कर दिए। मतलब उन्होंने सीधा, उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने सीधा सीधा उन पर युद्ध कर दिया, और युद्ध करने के बाद 180 जहाज रातों रात गिरा दिए। इन 180 जहाज़ों के अलावा लेबनान में वो घुस गए, और वो जॉर्डन में घुस गए, वो इजिप्ट में घुस गए। अब इन एरियों में जब वो घुसे तो घुसने के बाद एक और गतिविधि हुई, और वो गतिविधि ये थी कि इजिप्ट का एक सिनाई आइलैंड हुआ करता था। इसराइल की बात समझिए, इसराइल के एक तरफ सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, एक तरफ रेड सी है, और रेड सी पर ही ये गाज़ा पट्टी बनी हुई है, और ये जो इसराइल है एक तरफ लेबनान है। इन कंट्री और इनने सबने उसके ऊपर हमला कर दिया। मतलब जब युद्ध हुआ तो फिर से वही हुआ, सबने हमला कर दिया, क्योंकि क्योंकि इजिप्ट उसमें मेन भूमिका में था। इजिप्ट के सिनाई आइलैंड पर कब्जा कर लिया, और उधर वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, गाजा पर कब्जा कर लिया, इधर सीरिया के गोलान हाइलैंड्स हाइट्स पर कब्जा कर लिया, और इस तरह से इसराइल ने आतंक मचा दिया। क्योंकि इसराइल को 1948 याद था, और इसराइल को मालूम था कि जब हमने देश बनाया था तभी ये 6-6 देशों ने हमला कर दिया था, तो अब शक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता, हमारी छोटी सी आबादी है, नहीं तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जो 2000 साल पहले हुआ ईसाई इन्वेशन के टाइम पर, जो इस्लामिक इन्वेशन के टाइम पर हुआ, और सदैव से ही हमको मारते हैं, ये जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हम खुद में स्ट्रांग नहीं हुआ तब तक ये कुछ नहीं हो सका। अब ये जो इजिप्ट ने कब्जा कर लिया, मतलब इजिप्ट की के कब्जे वाले एरियों पर, या फिर जॉर्डन के कब्जे वाले एरिए हैं, या फिर सीरिया के कब्जे वाले एरिए हैं, लेबनान के कब्जे वाले एरिए, इनमें कुछ ना कुछ इसराइल ने सब जगह कब्जा कर लिया जहां से ये आतंक फैला रहे थे। नतीजा निकला कि अमरीका ने इसके बीच में इंटरवेंशन किया, हालांकि युद्ध नहीं किया ना रशिया ने ना अमेरिका ने, अमेरिका ने इसमें इंटरवेंशन किया, और इंटरवेंशन करने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई इजिप्ट या जो 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 अरेबियन फोर्सेस हैं, अरेबियन फोर्सेस और इसराइल के बीच में। सिनाई आइलैंड को इसराइल ने छोड़ दिया, जो इजिप्ट का था पूरा कब्जा कर लिया था, सिनाई आइलैंड को छोड़ दिया, और इधर गाजा का जो क्षेत्र है या वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इसराइल घोषित कर दिया। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको ये पैलेस्टीनियन लैंड कह रहे हैं, रिमेनिंग पैलेस्टीनियन, हालांकि ये लोग पैलेस्टीनियन लैंड इसराइल की ज़मीन को भी कहते हैं। तो इसराइल तो नया देश बना था, वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और इसराइल उनकी 4000 साल पुरानी भूमि है, 4000 साल पहले भी उनके ऊपर हुआ था, ऑटोमन एम्पायर जब बनी तब उनके ऊपर हमला हुआ था, ईसाई एम्पायर बनी तब उनके ऊपर हमला हुआ था, और फिर वो होता ही रहा, और 2000 वर्षों तक वो यही कहते रहे। अब की साल यरूशलम उनका धार्मिक स्थान, यरूशलम की खास बात यह है कि यरूशलम ईसाइयों का भी धार्मिक स्थान है, क्योंकि ईसा मसीह भी वहीं से आते हैं, और यरूशलम मुसलमानों का भी मुख्य स्थान है, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद वहाँ पर है जहाँ से कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद स्वर्ग के लिए गए थे। तो इसलिए वो स्थान तो सबके लिए धार्मिक है, और अपने अपने धार्मिक स्थान के लिए युद्ध करेंगे, यरूशलम पर हमला करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि यरूशलम शुरू से हमारा था। अब भाई जो 4000 साल पहले आया था तो पहला क्लेम तो उसी का बनता है, बाद वाले जो पैदा हुए वो क्लेम करते रहे वो अलग बात है। लेकिन 1967 में ये जो ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी में सिनाई आइलैंड छोड़ा गया, जॉर्डन के कुछ एरिए छोड़े गए, सीरिया के कुछ एरिए छोड़े गए, लेबनान क्रिश्चियन कंट्री था उसको कुछ एरिए छोड़े गए, लेकिन बाकी का जो आज का हिस्सा है जिसमें पैलेस्टीनियन लैंड ये कहते हैं, रिमेनिंग पैलेस्टीनियन लैंड कहते हैं, वो सारी की सारी इसराइल है, ऐसी घोषणा 1967 में हो गई। अब ये सब पैलेस्टीन बन गया, लेकिन आबादी डेमोग्राफी का क्या होगा, जो इजिप्ट से आ गए, जो जॉर्डन से आ गए, जो सीरिया से आ गए, जो लेबनान से आ गए, जो और कंट्रियों से आकर बस गए, जो वेस्ट बैंक पर बसे हुए हैं, जो गाजा पट्टी पर बसे हुए हैं, जो गोलन हाइट्स पर बसे हुए हैं, इनका क्या होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बार बार मुस्लिम कंट्रियों ने उन पर हमले किए, लेकिन इसराइल ने इन क्षेत्रों में जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो चुकी थी उस क्षेत्र को पूरा इसराइल में नहीं मिलाया,
क्योंकि वो ओपन बॉर्डर नहीं किया, उन्होंने उस क्षेत्र को जहां डेमोग्राफी चेंज हो चुकी थी, वो क्षेत्र जो उन्होंने जीते थे उसको ऑटोनोमस क्षेत्र बना दिया, और ऑटोनोमस क्षेत्र बनाकर इसराइल की जो भूमि है इसराइल की भूमि अलग रखी। ये जो ऑटोनोमस क्षेत्र है इसको ऑक्युपाइड टेरिटरी मुस्लिम जगत कहता है, जबकि ये 1967 की ट्रीटी का विषय है और इस ट्रीटी में रिकॉग्नाइज किया गया कि ये इसराइल है, लेकिन ये ऑटोनोमस क्षेत्र उन्होंने बना दिया। ऑटोनोमस क्षेत्र में इसराइल का मिनिमम इंटरवेंशन, बाहर का जो बॉर्डर है वो उनके पास, लेकिन जब अगल बगल सारे मुस्लिम कंट्री जुड़े हुए थे तो मुस्लिम कंट्रियों ने वहाँ हथियार सप्लाई करना, वहाँ मदद करना, वहाँ इस्लाम इन्वेशन करना, इस्लामिक वो टॉट फैलाना, ये सब जारी रखा। परिणाम ये समय समय पर निकलता रहा कि कभी ये हमला कर रहे हैं तो कभी फिलिस्तीन के अंदर से, क्योंकि 1967 के बाद जॉर्डन की अब हिम्मत नहीं पड़ी, सीरिया की हिम्मत नहीं पड़ी, इजिप्ट की हिम्मत नहीं है, लेबनान की हिम्मत नहीं, ये अब सीधा युद्ध करते हैं इसराइल के साथ। क्योंकि 1967 में एक और घटना हुई थी, 1967 में जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उस समय, उन्होंने ये घोषणा की कि हम जब तक अरब इन जगत को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम चुप बैठने वाले हैं। 1948 की जो हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, स्वतंत्रता का जो युद्ध था, उस युद्ध को हम नहीं दोहराना चाहते कि हम बारंबार इनके कोप का भाजन बने, इसलिए हम इनको समाप्त कर देंगे, जब तक हम इनको समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रुकने वाले। बाद में अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि फिर ये हुआ कि साहब वहाँ रहने वाले लोग मुसलमानों का क्या होगा, ये 3 लाख निकल गए कि 1.5 लाख निकल गए कि 25,000 मर गए कि 50,000 मर गए, ये सब कहानियाँ जो आज चल रही हैं वो उस समय चल रही थी। और हमला भी इन्होंने ही किया था, 48 में भी हमला इन्होंने किया, 67 में भी हमला इन्होंने किया, और जितने बार हुआ 57 में 58 में, हर 10 आप अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो मुस्लिम जगत ने हर 10 वर्ष में, जब उनके पास थोड़ी ताकत आ गई तो हर 10 वर्ष पर इसराइल पर हमला किया है। ये भी अभी 10 वर्ष हो रहे हैं पिछले हमले से, तो ये भी फिर हो गया या ज़्यादा समय हो गया, मुझे लगता है 2002 या 3 का हमला था, उसके बाद का ये हमला, तो ये लगातार होता रहा। अब इसराइल ने को जब अमेरिकन इंटरवेंशन आ गया, तो अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद फिर ये हो गया और इस पूरी भूमि को ये मान लिया गया, इसराइल के प्रेसिडेंट ने ये मान, प्राइम मिनिस्टर ने ये मान लिया, चलो भाई ठीक है अमेरिकन इंटरवेंशन, क्योंकि उनकी मुख्य शक्ति आज भी अमेरिका ही है। तो अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद वेस्ट बैंक, गाजा या गोलन हाइट्स, ये सब इसराइल मान लिया गया कि इसराइल है, तब इसराइल कंट्री बन गया। फिर भी इसराइल ने समझदारी ये की कि वहाँ जो 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 ये मुस्लिम जगत का क्षेत्र था, ये इसको इसराइल में नहीं घुसने दिया। काम करने आते हैं, डेली आते थे, डेली जाते थे, हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं वेस्ट बैंक से, गाजा से, और इसराइल में घुसते हैं, वहाँ काम करते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ उनको स्थायी स्थान नहीं होने दिया। हालांकि एक लिबरल ग्रुप जो इसराइल का है वो ये कहता है अपने छोड़ो बात खत्म करो, ये हो गया सो गया, लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है वहाँ पर वो ये जानती है कि अगर ये छोड़ो कर दिया तो ये 2000 वर्षों तक भटकते रहे, सबने इनको मारा, अब फिर मारे जाएंगे, और मुस्लिम जगत कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका तो युद्ध ही भूआ राजनीतिक आंदोलन है डेमोग्राफी को ख़त्म करना। उनका मानना बिल्कुल रूप से ये रहा होगा कि जब हमने इनको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है या ईसाइयों ने ख़त्म कर दिया, तो ये फिर एग्जिस्टेंस में होने ही क्यों चाहिए, ये क्यों जीवित हैं, इनको क्यों एक देश मिला, ये बात बिल्कुल दिमाग में इनके रहती है, इसलिए ये बारंबार ऐसा करते हैं। इस बार हमास का जो सरकार बनी, और हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को जब वो त्यौहार मना रहे थे, जब वो फेस्टिवल मना रहे थे, तो उस फेस्टिवल के दौरान वो स्टेटमेंट दे दिया हमास ने, हमास ने युद्ध कर दिया, और बेचारे उनका अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाते समय उनके ऊपर हजारों की तादाद में बॉम्ब डाले गए, मिसाइलें फेंकी गईं, लोगों को फिर अपहरण किया गया, मैं पावेनों के साथ गलत किया गया, और ये तय किया हमास ने कि हम बिल्कुल इनको जड़ से समाप्त कर देंगे। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मुस्लिम जगत कह रहा है, कोई कह रहा है हम इंटरवेंशन, टर्की कह रहा है हम इंटरवेंशन करने को तैयार, संसार भर की कम्युनिस्ट पार्टियाँ टर्की में इकट्ठी हो गई, वो कह रहे हैं फिलिस्तीन पर जाति हो रही, कह रहे हैं ऑक्युपाइड टेरिटरी है, कोई कह रहा है दुनिया भर की पंचायत। इसराइल का कहना यह है कि जो 67 में उनके प्रधानमंत्री ने तय किया था, लेकिन अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से उन इन मुस्लिम कंट्रियों को जो अगल बगल के जिनसे युद्ध हो रहा था इनको छोड़ना पड़ा था, हम वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते। 48 में जो गलती की थी सीज फायर करके, वो 67 में उन्होंने तय किया था हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन 67 में उनको ये कह के मना लिया गया कि ये सब क्षेत्र तुम्हारा है फिलिस्तीन वाला, ये इसराइल हो गया। अब 2023 में वो ये कह रहे हैं कि हम 67 वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, कि हम कोई ट्रीटी कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें और हम वापस आ जाएं, हम अब ख़त्म करेंगे। इधर अगर मुस्लिम जगत
कोई कोई वो बना रहा है, तो ये जो हमास है ना, हमास अल अक्सा फ्लड, इसको जो ऑपरेशन उसने किया है, जो उसने नरसंहार किया है, जो उसने आतंकी हमला किया, इसको उसने अल अक्सा फ्लड कहा। ये अल अक्सा फ्लड है। अब मजे की बात यह है कि इंटरव्यू देकर हमाद ये कह रहा है, उनका जो स्पोक्स पर्सन है, वो लेबनान में बैठकर एक चीज और घटना घटी कि लेबनान जो ईसाई कंट्री हुआ करता था, उसने पैलेस्टीनियंस को वहां शरण दी, और शरण देने के बाद उनका क्या हुआ समझ लीजिए। उस समय सीरिया ने भी, चूंकि वो सब मिलकर लड़ रहे थे, सीरिया ने शरण दी तो सीरिया का क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। सीरिया अब भी डेमोग्राफी लगभग चेंज हो चुकी है, और जहां ये लेबनान की तो पूरी चेंज हो चुकी है। सिर्फ ये वो था जो जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखाते हुए पैलेस्टीनियन को वहाँ जगह दे दी थी। आज वही पैलेस्टीनियन जो कि लेबनान में है, वो इसराइल पर युद्ध कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि तुम 6 नहीं 16 बॉर्डर खोल लो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। अच्छी बात यह है कि अभी तक इजिप्ट, लेबनान को छोड़कर, ना इजिप्ट ने कोई बात कही है, मतलब कह तो रहे हैं, भाषणबाजी तो हो रही, तो जॉर्डन की बात, सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी उनको गाली दे ही रहा है, यूएई लगातार उनको कह रहा है कि हमास ने गलत किया, और हमास की सरकार है पैलेस्टीन में। तो पैलेस्टीन वर्सेस पैलेस्टीन अपने ही देश में, अपने देश मतलब जो इसराइल है, इसराइल अपने ही देश में, जिसने इसराइल ने उसको ऑटोनॉमस क्षेत्र दिया हुआ है, वो अपने ही देश में ये कह रहा है कि हम यहूदियों को ख़त्म कर लेंगे, ये 48 का मेरा संकल्प है, और यहूदी संसार में रहने नहीं चाहिए। हमास ये कह रहा है अभी कि 7 अक्टूबर को जो हमने किया उसमें हमने कोई फॉल्ट नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक था, और हम बारंबार हमला करते रहेंगे, और इतने हमले करेंगे कि जब तक इनको जड़ से समाप्त ना कर लें तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। उसका कहना ये है कि जो अरब जगत है या इस्लामिक नेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब इसराइल को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इसराइल ख़त्म नहीं होता, यहूदियों को ख़त्म नहीं करते, तब तक इस्लामिक जगत सिक्योर नहीं है। हालांकि यूएई उनको गाली दे रहा है, आधे से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री उनको बोल रहे हैं कि तुम क्यों भाई शांति भंग कर रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लामिक जगत को हम बचाना चाहते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो लगातार, टर्की लगातार उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, यहूदियों के विरुद्ध। अब ये स्टेटमेंट जब आ गया कि हम इनहेलिनेशन करेंगे इसराइल का, और पूरी तरह से हम रिप्लेस कर देंगे, और पूरा पैलेस्टीन हम वापस कर लेंगे, और पैलेस्टीन हमारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जो इसराइल ने कब्जा करके रखा 48 से, हम वो पूरी वापस लेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। अब आप बताओ कि ऐसी परिस्थिति में कोई कंट्री इसराइल को ये कहते हुए प्रेशर बनाने की हिम्मत कर सकता है कि युद्ध मत करो, कि आप गाज़ा में मत घुसो, गाज़ा में अपने टैंकर मत भेजो, गाज़ा के क्षेत्र को साफ मत करो, गाजा में हमास को खत्म मत करो? कोई कंट्री संसार का जो डेमोक्रेटिक है वो नहीं कह सकता। इसीलिए भारत भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो निर्दोष लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। सबसे पहले विश्व में हमने ही कदम उठाया, बाद में यूएनओ ने कदम उठाया, तो सबसे पहले हमने खाने पीने की व्यवस्था पैलेस्टीन में करी है, लेकिन हम आतंकी मामले में इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमास अगर ये प्रतिज्ञा लेता है कि हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे तो फिर ये इन्वेशन है, और इस्लामिक इन्वेशन को भारत कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बात नोट कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस परिस्थिति में दोनों में से एक ही रहने वाला है, ऐसा दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।